चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 5। और लास्ट क्लास में हमने डाइलेक्ट्रिक के अंदर देख लिया था कि कितने टाइप के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, उसका इफेक्ट पढ़ना है आज। तो डाइलेक्ट्रिक में हम लोगों ने पढ़ा था नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है और फिर पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, और हमने पोलराइजेशन भी पढ़ लिया था, अलाइनमेंट और डाइपोल मोमेंट ऑफ परमानेंट और इंड्यूस डाइपोल। परमानेंट क्या होता है, पोलर के अंदर, है ना, और इंड्यूस मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तब डाइपोल मोमेंट भी सेटअप होगा, अलाइनमेंट भी उसी साइन पे होगा जो कि नॉन पोलर के अंदर पाया गया था। ठीक, इसी तरह से कहते हैं भैया बताओ क्या है पोलराइजेशन, याद रखिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे पोलराइजेशन वेक्टर। चलिए लिखिए हेडिंग फटाफट लिखिए। तो क्या डेफिनेशन है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऑब्वियसली नाम ही यार पोलराइजेशन वेक्टर बोल रहा हूँ तो क्लियर है कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होगी जो डिस्क्राइब करती है कि कितने एक्सटेंट तक आपके जो मॉलिक्यूल और डाइलेक्ट्रिक है वो क्या हो गए, पोलराइज हुए या नहीं हुए। पोलराइज होने का मतलब क्या हुआ, अभी तो सिखाया कि जो अलाइनमेंट है ना अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ। ठीक, यहाँ एक बहुत प्यारा सा फिगर है, लेकिन मैं आपको सरल भाषा पढ़ाने के लिए मैं कहता हूँ कि एक तरफ आपका ध्यान से देखना इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है। ठीक है, पहले मैं बिना इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम बनाऊंगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायग्राम बनाऊंगा ताकि तुम लोग को थोड़ा और क्लियर हो जाए कि पोलराइजेशन हुआ कैसे। तो पहले हमारा एक डायलेक्ट्रिक है, तो उसके अंदर एक पॉजिटिव निगेटिव चार्ज यहाँ, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ, मैं पोलर डायलेक्ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, क्योंकि नॉन पोलर में तो क्या होगा, एक के ऊपर एक रहेंगे तो कहीं पर भी डिस्टेंस देखने को मिलेगी नहीं, तो प्लस माइनस एक ही जगह बनता है तो वहां पर नहीं मिलेगा। तो ये हम पोलर के लिए बनाते हैं, तो आपको पता है डायपोल मोमेंट ये हो जाएगी इसकी, है ना। दूसरा हमने बना दिया यहाँ पर और ये पॉजिटिव चार्ज, इसकी डायपोल मोमेंट की, क्या दोनों का डायपोल मोमेंट एक ही अलोंग है, क्या एक ही जैसी है, नहीं, एक नीचे आ रही और एक ऊपर, है ना, क्लियर है कि नहीं है। तो ये नॉर्मल केस में हो गया। अब क्योंकि हमने ये पढ़ाया था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा भैया, इस नेगेटिव पर क्या आएगा बताओ, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। अब मैं पूरा एक एक स्टेप वाइज प्रोसेस बताऊं, डाइपोल मोमेंट यही होगा ना बच्चे, इसको पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली सर, ये अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपने सिखाया था इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कौन उत्पन्न करता है बाहर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज ही हमेशा एमिट करता है। ठीक, तो अब जिसको कुछ नहीं आता है उसको इतना तो पता है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है ना, एकदम सरल सोचते हैं। और एक फॉर्मूला ही पढ़ाया था सिर्फ, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है बल बटे आवेश यानी कि फोर्स अपॉन चार्ज, कौन सा, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, है ना, ये वही वाला चार्ज होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो ये वो चार्ज कौन है, ये वाला चार्ज, हाँ, तो फोर्स निकालना होगा, तो क्या जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू, ठीक है कि नहीं है। अब डायरेक्शन तो अपन निकाल ही लेंगे ना, डायरेक्शन क्या होगी सर, ये खींचेगा इसको अपनी तरफ, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी सर, अगर ये चार्ज क्यू है तो ये क्यू इनटू ई, गलत है, इस पे क्या होगा सर, पॉजिटिव पॉजिटिव को पसंद नहीं करता सर, उसको रिपेल करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, इस पे क्या आ जाएगा। अब देखो भाई, हम करा तो रहे हैं लेकिन जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको बोलना चाहिए, यहाँ टॉर्क होगा जिसके कारण क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, है ना, अलाइन हो जाएंगे। कैसे अलाइन होंगे, अब मैंने सिखाया था, कैसे कहा था, मैंने कहा था एक पेन पकड़ लो और उसको एक परपेंडिकुलर ये एक डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा और एक ये, आपको देखना है कि कैसे मूव करता है। ठीक, आप भी कर सकते हैं ये काम, ताकि आपको ऐसा लगे कि हमने ऐसे घुमाया, हमने भैया बल लगा के घुमाऊंगा, जब भी मैं करूंगा देखो मैं इसको खींच रहा हूँ, अपने हाथ इस पेन को ऐसे कर रहा हूँ कि फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक, मैं इसको ऐसे नहीं घुमा रहा, मैं मेरा हाथ का मूवमेंट नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ फोर्स लगा रहा हूँ, तो मतलब एक दिशा ये है और एक दिशा ये है, तो जब मैं फोर्स लगाता हूँ तो ऑटोमेटिक पेन क्या हो रही है, देखो समझ में आ रहा है, और जब पेन मूव कर रही है तब मेरा हाथ मूव कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये खुद से आप एक्टिविटी कर सकते हैं, जो बच्चा जूनियर क्लास में टॉर्क के बारे में जानता है उसको अच्छे से पता मैं क्या कहना चाहता हूँ, बाद में मैं कह दूंगा इसको कपल फोर्स। कपल फोर्स क्या होते हैं, किसी भी एक बॉडी पर दो बल लगेंगे, दोनों का जो दिशा होगा एक दूसरे के विपरीत होगा लेकिन उनका मान बराबर होगा, जितना फोर्स मैं एक पर लगा रहा हूँ उतना ही फोर्स, लेकिन इनके बीच में एक दूरी होगी। अगर देखो ध्यान से, तो एक यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे तो ये डिस्टेंस निकल के आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ये जो अब जब ऐसा होता है तो कहते हैं टॉर्क प्रोड्यूस होगा और ऑब्जेक्ट हमेशा एक सर्कुलर मोशन करेगा। समझ में आया, कभी भी कोई स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा का मोशन होता है, इलेवंथ का कंटेंट है, जिसको नहीं आता है कोई बड़ी बात नहीं, इलेवंथ पढ़ेंगे, लेकिन इलेवंथ में ये चीज सिखाई जाती है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन कराना है तो वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स, सो कहते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स, और टॉर्क भी आप कहते हैं। ठीक, और टॉर्क कैसे बनता है, जब आपके दो फोर्स हो, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन हो, उनके बीच में कुछ दूरी हो। ठीक, अब ये क्या होगा, ये चार्ज ऊपर की तरफ खींचेगा और ये, और अंत में क्या होगा, इनका अलाइनमेंट ऐसा हो जाएगा। अब देखिएगा, मेरे ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इधर, इस पे क्या फोर्स लगेगा, इस पे क्या लगेगा, ये तो इतनी बार कर चुका हूं, कहीं जाएगा अब ये कौन सी कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन ऑफ
स्टेबल इक्विलिब्रियम, जो पढ़ चुके हैं उनको पता होना, जिनको नहीं नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लेंगे कोई बात नहीं। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो ये रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा यहाँ पर आकर? रुक जाएगा ना भैया, सबको क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब है कि जो ऐसे टेढ़े मेढ़े पड़े हुए हैं आफ्टर पोलराइजेशन, ये क्या हो जाएंगे? इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे। तो पहला वाला चार्ज ऐसे हो गया, दूसरा वाला भी तो ऐसे ही होगा, होगा कि नहीं होगा? और ऐसे ढेर सारे चार्ज क्या हो जाएंगे, अलाइन हो गए। तो क्या ये डायग्राम बनता दिख रहा है तुम्हें बगल में जो बना हुआ है? ध्यान से देखो, ये डॉटेड क्या है, ये डॉटेड वो डायलेक्ट्रिक की बात हो रही है। हमने डायलेक्ट्रिक समझाया था ना, क्या एक गति मोड़ करके अंदर डाल दो, है ना? तो ये उसी की बात कर रहे हैं। ठीक, तो डायलेक्ट्रिक में देखो, एक यहाँ डायपोल मोमेंट आपका अलाइन हो गया, और एक यहाँ। क्या इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन है क्या मैच कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन से? कर रही है, नहीं कर रही है? डायपोल मोमेंट क्या होती है सर? माइनस से प्लस, सही है कि नहीं? अलाइन होने का मतलब दोनों पैरेलल, दोनों पैरेलल हो जाए। तो क्या डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया? दोनों एरो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, मतलब आप सीख गए। तो नाउ यू नो कि क्या यहाँ होता है जब हम पोलराइजेशन का प्रोसेस करते हैं। अनाई तो आपको दिख रहा है कि नहीं, आप जरा मुझे बता दीजिए, विजिबिलिटी ठीक है कि दोबारा डायग्राम बनाएं? अगर नहीं दिख रहा है तो दोबारा बना देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए अब ये डायग्राम चलो हम बना ही देते हैं टाइम पे। ठीक है, देखो एक सिंपल सा है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये तो आपको आता है ना। अब क्या होती है, दो प्लेट होती है, एक पर पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। तो हम ये फटाफट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना रहे हैं। ठीक बेटे, ये हो गया तेरा पॉजिटिव और ये तेरा हो गया। ठीक, आपको पता है पॉजिटिव सिलेक्टिव फील्ड निकलेगी और कहां जाएगी? नेगेटिव पे। सबको आता है ना ये बात? किसी कोई दिक्कत हो बता दो। ये पहला डायग्राम। ठीक, अब मैंने क्या किया, इनके बीच का जो जगह थी वहां पर एयर थी, मतलब मीडियम क्या थी? एयर। अब मैंने क्या किया, यहां पर लिया करके हमने कुछ भी इंसुलेटर का बना हुआ, यानी कि ऐसा जो कि गुड कंडक्टर नहीं है, लकड़ी, ठीक, दफ्ती कुछ उड़ाया और बीच में लगा दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को उसके अंदर से होकर के गुजरना पड़ेगा नेगेटिव चार्ज तक जाने के लिए। समझ, इतनी बात आ गई? वेरी गुड। तो ये डायग्राम दोबारा बना रहे हैं। तो ये डायग्राम बहुत सिंपल है, ये हो गया तुम्हारे दो प्लेट। अब ये डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आपको समझना पड़ेगा। ये डॉटेड लाइन का मतलब हो गया कि वो जो मैं बात कर रहा था, कुछ भी आपका इंसुलेटर से बना हुआ इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। चार्ज आपको भी पता, प्लेट से टच नहीं करता कभी भी, तो आपको पता है जो चार्ज यहाँ था वैसे ही रहेगा। अब मैं इसको प्लस क्यू लिख देता हूँ, मैं बना नहीं सकता, यहाँ माइनस क्यू। कहने का मतलब जितना चार्ज के पास उतना चार्ज उसके पास, कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। तो अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी तो क्या इसके अंदर से वो भी गुजरना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, बताइए? तो क्या पोलराइजेशन प्रोसेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पोलराइजेशन प्रोसेस आपको यहां से सीखना पड़ेगा। ये ऐसे रहा होगा दफ्ती के अंदर, और जब ये अंदर से गया होगा तो अलाइनमेंट कैसा हो गया होगा? ऐसा। तो क्या ये फिगर क्लियर है? माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, वेरी गुड। अब ये हो गया। अब इसके बाद देखना, आफ्टर बहुत हाई पोलराइजेशन के बाद क्या होता है, पॉजिटिव के बेचारे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है, कभी पॉजिटिव को अपने आसपास रहने देगा? कहेगा भागो यहां से। तो जब बहुत देर हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो होता क्या है कि सारे नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाते हैं हमारे डायलेक्ट्रिक के, मतलब अभी ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होगा, सारे नेगेटिव एक तरफ लाइन हो जाएंगे और पॉजिटिव एक तरफ लाइन हो जाएंगे, जिससे कि एक नया आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखना चाहिए। कैसे, मैं दिखाता हूं। तो ये आखिरी डायग्राम जो है वो भी बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गैप बना रहा हूं ज्यादा, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये पहला है, लेकिन अब इनके बीच में क्या है, एक डायलेक्ट्रिक। ठीक है, अब मैंने क्या सिखाया था कि जब बहुत देर तक होगा तो नेगेटिव हमेशा क्या होगा, सबसे ज्यादा करीब किसी पास जाएगा? पॉजिटिव के पास जाने की कोशिश करेगा। जंप नहीं कर रहा है, टच नहीं हो रहा है, याद रखिएगा, कभी भी टच नहीं होता है। बस हम क्या कह रहे हैं, जैसे हमने कहा ना कि जिसको यह समझ में आएगा वो आगे बढ़े, जिसको आएगा उसको, ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा एक जनरल मैं एग्जांपल दे रहा हूं, राइट। तो अब ये क्या हो गया, एक ही क्लासरूम में है, बाहर नहीं जा रहे ना, मेरे पास आ रहे हैं, भैया इतना स्पेस रहेगा हमें। तो आप बस क्या हो रहे हो, अलाइनमेंट आपका चेंज हो रहा है इस तरीके से, राइट। अब इससे क्या होगा, एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। क्यों, आपको सिखाया था पॉजिटिव से निकलती इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव पर जाती है, चार्ज तो चार्ज होता है, चाहे डायलेक्ट्रिक के पास हो चाहे मेरे पास, है ना, तो उसका इफेक्ट तो सेम रहेगा। तो इसका मतलब है सर, आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करी वो तो रहेगी ही, लेकिन अब एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म होगा जो कि डायलेक्ट्रिक के अंदर प्रोड्यूस होगी और वो हमेशा मेन इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में होगी, जिससे होगा क्या, एक बात क्लियर है यार, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही जैसे लोग हैं ना, और दोनों अगर अपोजिट हो जाएंगे, क्लियर है कि जब अंदर से जाना होगा तो कोई ना कोई आप विरोधाभास तो होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि भैया दोनों अपोजिट हैं,
दोनों है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अब एक ताकत वाले निकल तो जाएगा ही लेकिन आराम से नहीं निकल पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसका मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ घट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं ये कह सकता हूं कि जब एयर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा थी हर बिंदु पर, लेकिन अब मैं नहीं कह सकता कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। डायलेक्ट्रिक के अंदर कुछ और होगी, डायलेक्ट्रिक के बाहर कुछ और होगी। तो डायलेक्ट्रिक के अंदर बाहर देखो बीच जगह है ना, ये छोटी सी देख लो ना यहाँ, देख भाई मैंने कहा टच नहीं कर रहा, तो यहाँ जितना भी स्पेस है वो एयर होगा। तो यहाँ पर आगे चलकर भी केस पढ़ेंगे कि अगर पहला हमने लिया, हमने कहा कि जितनी दूरी थी सब में डायलेक्ट्रिक भर दी, तो उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। तो नेट हमारा आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी थी माइनस जो आपके डायलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। ऐसे केस आसान होते हैं, कठिन कौन सा होता है? अब मैं कह दूं कि पार्शियली फिल कर रहा हूं, वर्ड क्या पार्शियली मतलब आधा अधूरा, कुछ हिस्सा। जैसे मान लो पहली प्लेट और दूसरी प्लेट की दूरी के मान लो 2 मीटर, कितनी दूरी है 2 मीटर, ऐसा होता नहीं सेंटीमीटर होता है, ठीक है बहुत करीब होता है, लेकिन हमारे से 2 मीटर है एक अंदाज के लिए। ठीक, हमने कहा 1 मीटर चौड़ा हमने डायलेक्ट्रिक इसमें इंसर्ट कर दिया, तो आपको अच्छे से पता था 1 मीटर तो भर गया लेकिन 1 मीटर खाली रहेगा। तो 1 मीटर जो खाली रहेगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फर्क आएगा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वहां एयर है। तो अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 2 हिस्सों में। समझ में आया कि नहीं आया? अभी हमें आसान क्यों है? क्योंकि पूरा आपका आपने फिल कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, वो हम निकाल लेंगे, उसको माइनस कर देंगे जो हमारी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो हमें नई इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। और अब आप सीखोगे एक और चीज कि डायलेक्ट्रिक के आने से कैपेसिटेंस बढ़ता है। वो कैसे बढ़ेगा बताएंगे। ठीक, इतना आया कि नहीं आया तुम लोग को? तो फिर से बढ़े, कह रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी होती है पोलराइजेशन वेक्टर, जो डिस्क्राइब करती है एक्सटेंट ऑफ व्हिच मॉलिक्यूल ऑफ डायलेक्ट्रिक बिकम पोलराइज, करें किस एक्सटेंट तक पोलराइजेशन हुआ मतलब अलाइनमेंट हुआ, तो उसके क्या कह रहे हैं और ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो क्या रिप्रेजेंट करता है भैया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में वो ओरिएंटेशन उनका हुआ या नहीं हुआ। अब आगे हमें लिखें, सॉल्व करें इसको, इतना बना लो भैया डायग्राम काम आता है। ठीक, भूल जाओ फिर हम लिखना स्टार्ट करें, हम ये मिटा देंगे, जल्दी जल्दी करो थोड़ा। चलिए भैया आगे बढ़ेंगे। चलो देखो नेक्स्ट, देखो तो अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, पोलराइजेशन वेक्टर कैपिटल वी नोट करते हैं, लिखिए इसको, इट इज इक्वल टू द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ डायरेक्ट्रिक, ठीक है। अब ये एन क्या है लिखो, एन क्या लिखा मैं, एन को डिफाइन करो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डायलेक्ट्रिक, यूनिट वॉल्यूम ऑफ डायलेक्ट्रिक, यूनिट वॉल्यूम ऑफ डायलेक्ट्रिक पर पी तो पता ही है ना भाई, पी क्या है, हर एक एटम जो आपका बन रहा है प्लस और माइनस का जो पेयर बना रहा है उसका डाइपोल मोमेंट, तो लिख सकते हो पी इज डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच एटम, है ना, लिख लो। अच्छा लिख देते हैं, डाइपोल मोमेंट ऑफ, देखो जिसको नहीं आ रहा ये फिगर देख लो, देखो ये एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 एटम दिख रहा है तुमको कि नहीं दिख रहा है, तो हर एटम का अपना डाइपोल। फॉर्मूले कैसे लिखेंगे लिख लो फटाफट, डायपोल मोमेंट क्या होता है क्यू इंटू पी, तो क्या हो जाएगा डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो लिखेंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा। अब कहोगे नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया, बताते वो अच्छे से, देखो अभी सिखाते, ये हो गया जो भी मैं कार्डबोर्ड अंदर डाल रहा हूँ, जो भी मैं दफ्ती कह रहा हूँ डाल रहा हूँ, कोई भी कुछ भी डाल रहा हूँ अंदर डायलेक्ट्रिक का, वो कैसा दिखता होगा? तो आपको पता है कि जो प्लेट की एरिया है वो ए है,
तो इसका मतलब क्लियर है कि ये जो क्षेत्रफल होगा ये कितना होगा, ए ही होगा कि नहीं होगा। और जब भी मैं इंसर्ट करूंगा तो उसकी जो चौड़ाई होगी वो उनके बीच की जो गैप है वो कितना है, डी। ये दूरी कितनी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। अच्छा, इसका अंत भी उतनी ही एरिया से होगा जितने से शुरुआत होगी। ठीक, अब इसको ऐसे घुमा के खड़ा कर दो, खड़ा करोगे तो कैसा दिखेगा, मेरी बात सुनना ध्यान से, आराम से, डरना उन्हें नहीं। देखो अभी तुम्हें दिखा, जो जैसे मैं सिलेंडर दिखाया था वैसे दिखाऊंगा, ठीक है। ये क्या है, एरिया थी, तो यहां पर भी एरिया क्या है। मैं कहता हूं कि ब्रेड देखिए, ब्रेड की पैकेट देखिए, चौकोर चौकोर स्लाइसेस होती, हर स्लाइस एक जैसी होती, बराबर ही होती। अगर देखो कि जो पूरा पैकेट बनता है वो बनता कैसे है, एक स्लाइस के ऊपर दूसरी स्लाइस, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, है ना। अगर एक स्लाइस का एरिया पता है और मुझे नंबर ऑफ स्लाइसेस पता है, मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूँ नहीं वॉल्यूम, सीखे कि नहीं सीखे कुछ। तो अरे मेरे को दिख गया यहाँ पर, ये ए है और इसकी हाइट कितनी है, और हर जगह जो एरिया है वो कितना, ए ही रहेगा, चाहे कहीं से कट करूं तो मैं एरिया को डी टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वॉल्यूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वॉल्यूम क्या होता है, इसके अंदर की जो जगह है उसी को तो वॉल्यूम कहते हैं। कैसा चार्ज है, क्या ये पहले से था, आंसर इज नो। मेरी बात सुनना ध्यान से, क्या ये जो पोलैरिटी आती नेगेटिव एक तरफ आ गया, क्या ये अपने आप ही आ गया था, क्या किसी और ने किया ना इसको, तो इसको कहते हैं इंड्यूस चार्ज। क्या कहते हैं, इंड्यूस, क्योंकि वो एक इफेक्ट की वजह से आया। जैसे ही वो इफेक्ट पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रिक बिल बंद करोगे वैसे वापस से अपनी जगह पे सब चले जाएंगे, समझ में आया। तो ऐसा इफेक्ट जो कि टेम्परेरी हो, है ना, जो कि लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ टाइम तक ही रह सकता है, तो उसको कहते हैं इंड्यूस इफेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर क्यू आई लिख दिया मैंने, इसको डिफाइन कर दूंगा, ये क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, क्या कहूंगा इसको, इंड्यूस्ड चार्ज। हेलो, हाँ बस 15 मिनट में, ओके ओके, ठीक ठीक, तो ये हो गया बेटे। ठीक, अच्छा ये बताओ, ये डी कट जाएगा, क्या आ गया, ये आपका फॉर्मूला बन के, ठीक है। और चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक्चुअल में यस सिग्मा, सिग्मा, ये सिग्मा भी कैसा होगा, इंड्यूस्ड नेचर का होगा। ठीक है, कहेंगे इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, समझ में सबको आ रहा है ना, आसान है। देखो ये जितना डिटेल में पढ़ लोगे उतना ही क्वेश्चन लगाने का ही मजा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब समझ में आता है तो लगाने में और मजा आता है। क्वेश्चन समझ में इसीलिए नहीं आएगा, ये कह रहा है ना इसलिए वाईफाई कनेक्शन फेल हो जाता है, क्या बीमारी है, नई नई बीमारी लगी इसको। ठीक है, चलिए ठीक आगे बढ़ जाए, चलिए भाई इसका, अच्छा वो बताओ यूनिट क्या होगी इसकी, फटाफट बताओ यार यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया, सिंपल है, चार्ज हो गया कूलम और एरिया हो गया मीटर। ठीक है, कूलम पर, ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो अब देखेंगे जरा कि ये डायमेंशन निकाल लोगे, निकाले कूलम का क्या होगा, 80 और नीचे मीटर स्क्वायर, तो एल माइनस टू ए टी, है ना। चलो वेरी गुड, अब शुरू करते हैं अपन, थोड़ा जो पार्शियली फील्ड वाली बात कर रहे थे उसको कर लेते हैं थोड़ी, नहीं नहीं रुको रुको रुको, इससे पहले तुम लोगों को थोड़ा सा इसका इफेक्ट दिखाते हैं, थोड़ा इसके बारे में और पढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं डायलेक्ट्रिक आने से क्या क्या चीजें बदली हैं, ठीक, ताकि वो हम परमानेंट याद कर लें और अगली बार जब हम क्वेश्चन करें तो हमें पता रहे इतनी चीजें तो डायलेक्ट्रिक आने से हो गई होंगी। ठीक, चलो तो हम यहाँ पहले मान लेते हैं फटाफट, ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग अभी सीखने वाले हैं कि अगर डायलेक्ट्रिक आएगा तो क्या क्या इफेक्ट लेकर के आएगा। जैसे कि पहला इफेक्ट मान लीजिए कि जब आपका डायलेक्ट्रिक इन द एब्सेंस ऑफ, इन द, मैं अपनी तरफ बना के लिख रहा हूं, इन द एब्सेंस ऑफ डायलेक्ट्रिक, मैंने कहा जब डायलेक्ट्रिक नहीं था, देन लेट ई नॉट
सी नॉट एंड वी नॉट, ये क्या लिख दिया, ई नॉट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी उस टाइम पे ई नॉट थी, सी नॉट मतलब कैपेसिटेंस ई नॉट था, और पोटेंशियल के बीच में वी नॉट, ठीक है। एंड आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, लिखा नहीं जा रहा, डाइलेक्ट्रिक यहां यहां है, ठीक, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई सी एंड, ठीक है, हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, ई हो गई, चार्ज कैपेसिटेंस क्या सी हो गया और पोटेंशियल, ठीक है, कर सकते हैं हम लोग। तो पहले ड्राइव करो फटाफट, तो सी नॉट ई नॉट वी नॉट का फॉर्मूला लिख डालो फटाफट, वो तो याद होना चाहिए अब तो, क्या क्या फॉर्मूला है जो पैदल प्लेट कैपेसिटी के फॉर्मूले हैं, देखो कॉपी में फटाफट बताओ मुझे। E not is equal to क्या हो जाएगा, पोटेंशियल उनके बीच में अपॉन सेपरेशन, ये तो पहला फॉर्मूला था, फटाफट लिखो इसको, याद नहीं है तो याद कर लो। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या बनाओगे, इसको इन टर्म्स ऑफ चार्ज भी नहीं करना सिखाया था मैंने, है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा भैया, चार्ज के टर्म बताओ, चार्ज और एरिया के टर्म में तो काम आएगा बाद में, बताओ भैया किसको याद है, पीछे अवनीश बताओ फॉर्मूला बताओ, इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड एरिया, चार्ज और एरिया के बीच में रिस्पेक्ट में बताना है आंसर, एप्सिलॉन नॉट के साथ एक फॉर्मूला बनाया था ना, क्यू अपॉन, कॉपी देख के बताओ यार, क्यू अपॉन क्या होगा, अरे नहीं याद है तो वी से कर लो, वी से कर लोगे तब भी डी कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और यही बदलेगा बाद में जाकर के, क्योंकि जब परमिटिविटी चेंज होती है तो एप्सिलॉन नॉट क्या जाता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक विल बी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी, ठीक है, और किसी भी प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा इंड्यूस अपॉन एप्सिलॉन, अभी सब बेटे आप लोग भूल गए हैं लेकिन अब क्या होता है, टाइम इसीलिए लगता है क्लास में ज्यादा, जब भी कोई प्लेट होती है याद कर लो यार, कितनी बताऊं, है ना, इससे कभी इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन, ठीक है, अब सोचो यही चीज सोचो कि जब डाइलेक्ट्रिक के अंदर देखोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में कोई पॉइंट है, ठीक है, इनसाइड, तो इस पॉइंट पर भी तो इसकी वजह से एक ही साइड ऑफ एक ही साइड तो हुई, तो एक ही प्लेट तो दिखेगी, तो यहां क्या आएगा सिग्मा इंड्यूस अपॉन, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक, तो लिख डालो फटाफट, कर रहा है कोई कि बस हम ही कर रहे हैं, इसके आगे करो क्या क्या लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया तो भी कैपेसिटेंस निकालो और आपको पोटेंशियल निकालना है, निकालिए कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज पहले कितना था, क्यू था, बाद में क्या हुआ, क्यू तो रहेगा ही रहेगा, बाद में इंड्यूस चार्ज भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चे, इंड्यूस चार्ज, ठीक, अपॉन क्या हो जाएगा, अब नया पोटेंशियल कितना होगा, V, कितना होगा V, ठीक है, अब जिसको जिसको नहीं आता है मैं आपको याद दिलाता हूं मैंने कहां पढ़ाया था ये कंसेप्ट, कहां से आया, मैंने सिखाया था कि ये कोई भी आपका 50 जब हम लोग ने बनाया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर शुरुआत जब हुई थी तो एक प्लेट होती थी हमारे पास, उस प्लेट को हम दूसरे प्लेट के पास रखते थे, उसके पास कोई चार्ज नहीं होता था, तो कहते थे कि इसका चार्ज है इसलिए इंड्यूस होगा चार्ज दूसरे पे, जितना इसके पास चार्ज होगा उतना ही इंड्यूस करेगा, जब इंड्यूस होगा तो नेट चार्ज क्या कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी, टोटल चार्ज निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज करेंगे कि नहीं करेंगे, तो जो नेगेटिव हुआ जो इंड्यूस चार्ज हुआ हमारे पास क्या उसकी पोलैरिटी अपोजिट है कि नहीं है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है कि नहीं, तो अगर हम देखें
कि पहली वाली प्लेट के ऊपर थोड़ा समझ लो, आराम समझो, इसमें कई लोगों को डाउट भी हो सकता है, कई लोग कहेंगे समझ में भी नहीं आया, ये सारी पॉसिबिलिटी है अभी की अभी जो बताने जा रहा हूँ भैया। इसमें अगर प्लस क्यू है एक, यहाँ जो इंड्यूस होगा वो कौन सा होगा, नेगेटिव नेचर का होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं, और वो क्यू इंड्यूस को हम उसको कहेंगे, तो अगर हम जोड़ेंगे तो एक पॉजिटिव नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या ऐड हो सकता है कभी भी, तो मैं नेट इंड्यूस चार्ज कह सकता हूँ क्यू आई है और नेट टोटल चार्ज हमारे कैपेसिटर पास क्यू है, तो कभी भी क्या ये ऐड हो सकते हैं, हाँ ये सही है कि नहीं है, और नीचे जो नया पोटेंशियल है क्यू अपॉन वी वाला फॉर्मूला यूज किया, ठीक करो, ठीक एसी काम नहीं कर रहा है, हवा तक हवा नहीं पहुंच रही, चलो ये हो गया तुम्हारा। अब अगर हम लोग आगे इसको सॉल्व करें पड़ता, बस यही छोड़ देंगे इसको पढ़ा करके आज, ठीक। तो अगर हम बात करें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर हम बात करें रिलेटिव परमिटिविटी की, जिसको हम कहते हैं किसको, के या फिर एप्साइलन आर, तो उसके लिए क्या हो जाएगी, ई नॉट अपॉन, अरे ये लिख लो इसको आप, सिग्मा माइनस सिग्मा आई अपॉन एप्साइलन, यही तो होगा, ठीक है। सिग्मा को आपको पता है क्या लिख सकते हो, क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्यू अपॉन ए के फॉर्म में लिख सकते हो, ए एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, ठीक है, वो सब चीज तुम लोगों को आती है। और हमें पता है कि डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट हो तो इसको हम कह सकते हैं ये वी नॉट वी के भी बराबर होता है, ठीक, और क्या बराबर होगा, सी नॉट अपॉन सी या सी अपॉन सी नॉट। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको इसे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि उसको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती है, कैसे नहीं आती है दिखाते हैं, इसमें कुछ भी हमने किया ही नहीं एक्चुअली, उसको बनाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता होती भी नहीं है। पहला ग्रेड कैपेसिटर, यस, पहला फॉर्मूला कहा बनाया था, इसके बाद बनाओ, एनर्जी वाला फॉर्मूला है, हाँ यहां बनाओ, हाँ ये क्या लिखा हुआ है बॉस, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, जैसे मीडियम आता है अभी, और कैपेसिटी, ये देखो जरा मीडियम वाले केस, जरा डिवाइड करो सी अपॉन सी नॉट और देखो एप्सिलॉन आर कैसे आएगा, तो ये सी आपके पास लिखा हुआ है और सी नॉट क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यही तो अंतर होगा, क्योंकि जब मीडियम एयर हो जाता है तो ये वैल्यू हो जाती है वन, जब मीडियम एयर नहीं होता तो ये वैल्यू एप्सिलॉन आर, इसी को तो कहते हैं डायरेक्टली कांस्टेंट। अगर इसको छोड़ के अगर आप डिवाइड करोगे, इसको छोड़ के बाकी सब तो कट जाएंगे, कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे, अब देखना ध्यान से, मैं यही लिख रहा हूँ, तो सी नॉट इज इक्वल टू होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और डिवीजन में सी है और यहाँ क्या जाएगा बताओ, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां जाता है, न्यूमरेटर में, ये तो ऐसे ही कट गया, ये ऐसे ही कट गया, अब देखो ये तो हमेशा डिनोमिनेटर में ही रह जाएगा, तो इसका मतलब c नॉट अपॉन c इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन r इज इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन, सिर्फ इस केस में ऐसा होता है, बाकी पोटेंशियल में भी डिनोमिनेटर में रहता है हमेशा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, तो उस केस में भी आपका सही चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी नीचे ही रहता है, क्योंकि ये न्यूमरेटर में आएगा इसीलिए फॉर्मूले में ये चेंज हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं वापस से, अब जिसको इसको नहीं आ रहा उसका एक ही रीजन है कि आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, तो मैं हेल्प नहीं कर सकता, बहुत आगे आ चुके हैं, बहुत कुछ पढ़ा दिया, ठीक है, तो थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा जो मैंने कहा, ठीक चलो आगे बढ़े। चलिए इसको कंक्लूड करते हैं, तो वैल्यू पुट करो इसके अंदर, वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा यहां पर बताओ, ये जाएगा q अपॉन q माइनस, ठीक है, और सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है, और हमें अच्छे से पता है कि एप्सिलॉन आर का बेसिक फॉर्मूला तो घट ही जाओ यार, एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन इज़ इक्वल क्या होगा, इधर जाएगा एप्सिलॉन आर इज़ इक्वल टू हो जाएगा बच्चे एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द ओरिजिनल परमिटिविटी इज एप्सिलॉन, बहुत बार बता चुका है तो आपको पता होना चाहिए असली परमिटिविटी ये होती है, लेकिन अब ये कई सिचुएशन के कारण इनको कभी इज्जत नहीं मिलती,
ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास कुछ फॉर्मूले बनके तैयार हो गए हैं। ये सारे फॉर्मूले किसके हैं, अगर हमें सिग्मा पता होगा, सिग्मा आई पता होगा, तब भी हम एस एन आर की वैल्यू क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। अभी लग रहा होगा क्यों पढ़ा इसको, लेकिन इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये सारे वर्क काम के, ठीक है, ओके, ये याद कर लेना। ठीक, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर ये हम फिलिंग पार्शियल करें तो क्या होगा। यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू, इतना पढ़ाया है वो समझ में आया, कुछ अगर पूछना हो तो प्लीज पूछ लीजिए मुझसे, कैलकुलेशन समझ में आएगी तो पूछ लीजिए मुझसे, फॉर्मूले याद ना हो तो प्लीज याद कर लीजिएगा उसको, क्योंकि इसमें काफी चीजें इसलिए समझ नहीं आएंगी, इसमें कुछ नहीं पढ़ाया आज मैंने, आज सिर्फ वैल्यू पुटिंग करी है, पीछे से फॉर्मूला उठा करके पुट कर देगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, कुछ पूछना हो तो मैं यही क्लास में हूँ।